हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये चिट्टी सर का है और ये आया है कहाँ से, कुछ ये है काकीनाडा, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट से आया है, पोस्ट से आया था। हाँ, काकीनाडा। और इधर भी लिखा है उन्होंने एड्रेस, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये उन्होंने बोला आवाज़ नहीं आ रही, बट यहाँ पे पावर ऑन करते ही कुछ पावर प्रोडक्ट दिखा रहा है। 270 मॉडल है, ठीक है, तो देखते रहिए। मैं बताता हूँ, इसमें बोर्ड वगैरह भी एकदम फ्रेश है, इसका बोर्ड तो एकदम फ्रेश है इसका। फिर भी प्रोटेक्ट आ रहा है, देखना पड़ेगा कहीं पावर सप्लाई वगैरह डगर हो सकता है। अगर फेक आउट रहेगा तो पावर सप्लाई वगैरह डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट शो करेगा, बट शो करना नहीं चाहिए। फैन नहीं घूम रहा है, फैन घूमना चाहिए। डायरेक्ट प्रोटेक्ट दिखा रहा है, देखते रहिए। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट रहेगा, प्रोटेक्ट कैसे निकलेगा और क्या फॉल्ट रहेगा, देखते रहिए। भाई इसका पहला और दूसरा जो है ये है अपना 12 बोल्ट है, बट शॉर्ट दिखा रहा है। तो अभी समझ लो हम कनेक्टर निकाल लेते हैं, कनेक्टर निकाल के अगर चेक करेंगे तब भी अगर शॉर्ट दिखाता है तो समझ जाओ फिर आपका पावर सप्लाई में फॉल्ट है। और अगर तब शॉर्ट नहीं दिखाता है, जब अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है, अभी सही दिखा रहा है। और ये कनेक्टर लगाते ही जो है, पावर सप्लाई का कनेक्टर लगाते ही ये वाला 12 बोल्ट शॉर्ट दिखा रहा है। तो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट शॉर्ट है। अभी देखो, अभी मैंने कनेक्टर लगा दिया है, अभी ये कुछ ओम्स दिखाएगा। नाइन ओम्स दिखा रहा है। अभी ये 9 ओम्स दिखा रहा है, कनेक्टर लगाते ये जो है 9 ओम्स दिखा रहा है। पावर सप्लाई का, पावर सप्लाई सही है। मैं चेक करता हूँ इसमें आउटपुट वगैरह, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट पहला और ये है, तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देखिए इसमें ये प्रोटेक्ट क्यों आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये आईसी, देखिए ये आईसी जली पड़ी है, यहाँ पे जल गई है, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट आ रहा है। अगर जहाँ तक है कि आईसी निकालने के बाद, ये वाली आईसी निकालने के बाद आपका जो है प्रोटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये 12 वोल्ट शॉर्ट नहीं होगा। आप देखते रहिए, मैं आपको आईसी भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा क्या है। और इसमें बोले थे साउंड भी नहीं आ रहा, पहले तो प्रोटेक्ट आ रहा, प्रोटेक्ट के बाद आगे प्रॉब्लम समझ में आएगा कि आगे क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। ये इसमें एक ही आईसी फिलहाल, तो ये सब बूफर वाली आईसी जली दिख रही है, बाकी कोई आईसी ऐसा दिख रही ना, दिख रहा नहीं है। पहले यही आईसी ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फिर हम चालू करते हैं, देखते हैं। तो भाई इसमें शॉर्टिंग जो है ख़त्म हो गई है। अभी ये फर्स्ट था, उसके बाद तो इसमें देखो शॉर्टिंग ख़त्म हो गई, ठीक है। अभी के में दिखाने लग गया, नहीं तो ओम्स में दिखा रहा था। मैंने आईसी भी निकाल दिए यहाँ पर और हम लगा के देखते हैं। फैन भी घूमा, भी तो ये प्रोटेक्ट ख़त्म हो गया इसमें, और जो डायरेक्ट प्रोटेक्ट आ रहा था वो प्रोटेक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर समझ लो हम सप्लाई चेक करना चाहेंगे कि कौन सी साउंड है कि नहीं है, तो 15 वोल्ट अभी चेक करना पड़ेगा। ये ऐसे तो फिलहाल डालनी ही पड़ेगी। देखिए 15 वोल्ट है इसमें, इसमें भी 15 वोल्ट है, इसमें भी 15 वोल्ट है, इसमें भी 15 वोल्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये 15 वोल्ट सब में है, ठीक है। ये पीसीएम आईसी सही है, इसमें ये आईसी डालनी पड़ेगी। आईसी जलगा भी, ये आईसी कैसा है डाल के जो है इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादातर कोई कोई मॉडल में है कि ये सब आईसी डालनी पड़ती है। इसमें भी देखना पड़ेगा, अभी डाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक लगाते हैं फिर दूसरी ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम करता है।
अब देखते रहिए, मैं आईसी चेंज करता हूँ और उसके बाद फिर हम सब स्पीकर चेक करते हैं, देखते रहिए। तो गाइस आप देखिए इसमें 15 वोल्ट आ गया, देखिए 15 वोल्ट आ गया इसमें वूफर पे और ये 15 वोल्ट आ गया इसमें, ये आईसी मैंने डाल दिया है, ठीक है, वूफर की आईसी थी, ठीक है, 15 वोल्ट इधर आ रहा है और 15 वोल्ट इधर आ रहा है। उसके बाद एफएम का रख के आवाज़ भी सुन लेते हैं, देखिए आवाज़ इसमें भी आ रही है, इसमें आवाज़ नहीं है, आवाज़ एक में भी नहीं है, एक मिनट आवाज़ गई। अच्छा ये स्पीकर वायर निकल गया मेरा, दूसरा स्पीकर लगा के चेक कर लेते हैं, देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, इसमें बेस में भी, तीनों में आवाज़ आ रही है, प्रोलॉजिक ऑन नहीं है, मैं देखता हूँ, देखते रहिए, मैं पांचों स्पीकर में आवाज़ सेटिंग करके करता हूँ।